एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, पुश कर भाई, डन मत बोला, होल्ड मैन प्रसाद, मैंने प्रसाद माँ भूख लगाते हुए एक शॉट दे दिया। हाँ हाँ थैंक्स मैन। मैम सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा आ चुके हैं घर पे, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटमेंट है आज के दिन के लिए? स्पेशली हम लोग पूरा साल वेट करते हैं कि वो आएँ और हमें आशीर्वाद दे के जाएँ, बहुत बहुत खुशी होती है। मैंने एक्चुअली पहली बार मेरे बच्चों के पैदा होने के बाद मेरे पास जुड़ना है एक लड़का एक लड़की, तो उनके पैदा होते ही मैंने बोला था पप्पा आपको उनको स्वस्थ और खुशी हमेशा खुश रखिए हमेशा, तो मैं आपको हमेशा सर आँखों पर घर लेके आऊँगी। तो 12 साल हो गए हैं और एवरी ईयर ही कम्स एंड ब्लेसेस अस। ओके, और हमने देखा कि बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है आपने, भोग इतने सारे थे, क्या क्या तैयारियाँ की थी आपने इस साल के लिए स्पेशली? इस साल मुझे एक्चुअली तैयारी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, मगर मेरे चाचा हमारे साथ रहते हैं, वो पापा मम्मी के साथ हमेशा रहे हैं, तो मेरे वो फादर मदर की तरह हैं, तो इस साल सब उन्होंने प्रिपरेशन किया है। बस गणपति जी मैं हमेशा जो लाती हूँ घर पे वो मिट्टी का लाती हूँ, उसमें पूरा पूरी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। आप कलर भी देखेंगे तो हम कोई भी हानिकारक रंग और ये सब नहीं डालते हैं, जो गोल्ड भी है उनको एक फेस्टिव लुक देने के लिए वो फूड कलरिंग है, तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है। हम जब विसर्जन करते हैं उनको भेजते हैं घर से, तो हम बाल्टी में डालते हैं और पानी में आप देखेंगे वो कुछ ही मिनटों में गल जाते हैं, और हम फिर मेरे प्लांट्स में और सब में उनकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पापा की ब्लेसिंग से आप प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी ब्लेसिंग मिली है आपको पापा से? मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सिखाया है कि हिम्मत ए मर्दा और मदद ए खुदा, तो इंसान हिम्मत करेगा और मेहनत करेगा तो ऊपर वाला ज़रूर उसको सर उनका हाथ रहेगा सर पे। तो हाँ जी बहुत अच्छा टाइम रहा है, 2.5-3 साल से कर रही हूँ, पहले 24 किया अनिल जी के साथ, फिर इस प्यार को क्या नाम दूँ किया, फिर नज़र किया, अब विश कर रही हूँ, एंड कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से या ऊपर वाले से, बहुत अच्छा है सब कुछ। और मैं प्रार्थना में भी हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ कि जिनको मैं प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरी फैमिली हो या मेरे दोस्त हों, वो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड प्लीज़ आप उस वजह से जो भी करें अपने समुद्रों को ख़राब मत करें, अपने प्लैनेट को ख़राब मत करें, प्लास्टिक मत फेंकिए, आप मिट्टी का गणपति लाइए, और जितना कम आप गंदा करेंगे अपने देश को अपने वातावरण को, उतनी सुखी आपका परिवार आप रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी एक विनती है कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने आस पास जो है उसको क्लीन रखिए। बहुत सारे लोगों ये जानना चाहते हैं कि जब इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं तो पोल्यूशन को कैसे फ़ायदा होता है, थोड़ा सा अगर उनको आप बताना चाहें जो ऑडियंस आपको देख रही है। जैसे मैंने आपको बताया जो ये प्लास्टिसिन के होते हैं, जो पीओपी के होते हैं गणपति,
वो आप जब विसर्जन करते हैं आप उनको इतना सराहते हैं, इतनी इज्जत से प्यार से आप उनकी पूजा करते हैं, और फिर वही गणपति आप विसर्जन के बाद आप देखेंगे पूरे वॉश होके शोर्स पे आ जाते हैं और पैरों में पड़े रहते हैं। इतने बार मीडिया में भी आप लोगों ने कवर किया है, सब गंदगी के साथ पड़ा रहता है, तो ये सब बातें आप बच्चा बच्चा जानता है, मेरे बच्चे तो जानते हैं, वो प्लास्टिक कोई देता है उनको तो बोलते हैं हमको प्लास्टिक में नहीं आप पेपर बैग में दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और अगर ये हर इंसान करेगा तो ही मुमकिन हो पाएगा कि कुछ आगे हम आसपास कोई फ़ायदा हो। हर जगह बाढ़ें आ रही हैं, मद्रास में पानी ख़त्म हो गया है, चेन्नई में, ये सब मुश्किलें तो हमें झेलनी पड़ेंगी अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे और अपने आसपास का ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि आप प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा कर रही हैं, छोटे पर्दे पर ऑलरेडी आपकी एंट्री हो चुकी है, बड़े पर्दे पर लोग कब देखने वाले हैं आपको? बिल्कुल अगले साल तक। अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि खुद अनाउंस करें, तो एक फिल्म का भी फाइनल हो रही है एंड होपफुली वेरी सून ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल, एंड बप्पा की कृपा रहेगी जो भी आएगा सर आँखों पर बस। और आप वेब सीरीज भी करने वाली है? जी, एक वेब सीरीज के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस। है वो भी एक बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन जो फिल्म्स बनाते हैं वो वेब सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ही मज़ेदार रोल है। मैंने बहुत सारे काम को ना बोला है क्योंकि वेब सीरीज़ में थोड़ा बोल्ड ज़्यादा होता है एंड उस वजह से काफ़ी काम छोड़ना पड़ता है, बट लाइक आई सेड अपने दायरे में रह के अपनी इज्जत के साथ करूँगी, जो भी अच्छा आएगा वो ज़रूर करूँगी। लास्टली एक विश कर दीजिए हमारी ऑडियंस को गणेश चतुर्थी के लिए। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना घर, अपना कंपाउंड, अपना स्ट्रीट्स, अपने शहर को, अपनी दुनिया को साफ रखिए प्लीज़। प्लांट ट्रीज, डोंट कट देम, एंड थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।